इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक सारंगी की कक्षा 2 का पाठ 12, जिसका शीर्षक है तोसिया का सपना। यहाँ पर बच्चों, तोसिया एक लड़की का नाम है और सपना तो बच्चों हम सभी को आते हैं। कभी हम सपने में कुत्ते बिल्लियों के साथ खेलते हैं, तो कभी चांद तारों को पकड़ लेते हैं, है ना? आते हैं ना ऐसे सपने? लेकिन हमारे ज्यादातर सपने वही होते हैं जो दिन भर में हम देखते, सुनते व बातें करते हैं। ऐसा ही एक सपना तोसिया को भी आया। तोसिया ने क्या देखा कि इस दुनिया के सारे रंग ही उड़ गए हैं। जो रंग हम अपने आसपास ऐसे देख रहे हैं, वो सब बेरंग, यानी सब कुछ सफेद हो गए। तो अगर बच्चों हमारे आसपास जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जैसे लाल रंग का फूल, हरी घास, हरे पेड़ पौधे, नीला आसमान, पीला सूरज, कपड़े, जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं हमारे सामने, उन सब के रंग उड़ जाएं, सब अगर सफेद रंग की बन जाएं, तो सोचो फिर ये हमारी दुनिया कैसी लगेगी। तो ऐसे ही सपना तोसिया को आया कि ये सारी दुनिया बेरंग यानी सफेद हो गई है। तो चलिए बच्चों, हम भी जान लेते हैं फिर आगे तोसिया ने क्या किया। तो हमारी कहानी का नाम है तोसिया का सपना। तोसिया ने एक सपना देखा। क्या देखा? एक दिन तोसिया ने सपना देखा। तोसिया बहुत सपने देखती है। वह उठकर सपनों के बारे में बात भी करती है। वह रोज सुबह जो भी उसको सपना आते हैं उनके बारे में बात भी करती है। आपको बच्चों किस तरह के सपने आते हैं, आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तोसिया को सपना आया कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए हैं। ये देखो, जो इस तरह की सुंदर सी दुनिया हमारे आसपास है, वह सब बेरंग यानी सफेद रंग की हो गई। कहीं कोई रंग नहीं बचा। उसने देखा कि सब कुछ सफेद सफेद हो गया है। तोसिया उठी और सपने को याद करने लगी। वह एकदम से घबरा गई। क्यों घबरा गई? क्योंकि उसने देखा कि सपने में तो सब कुछ बेरंग हो गया था। तोसिया सोचने लगी कि क्या सचमुच रंग गायब हो गए हैं, क्योंकि रंगों के बिना तो हमारी दुनिया बेरंग हो जाएगी। तोसिया रसोई में गई। वहां बहुत सारे रंग बिरंगे मसाले रखे हुए थे। तो बच्चों, आपने भी देखे होंगे ना अपने रसोई घर में, ये देखो, लाल रंग की मिर्च, पीले रंग की हल्दी, भूरे रंग का जीरा, धनिया, सब रंगों से भरे होते हैं ना, पीले रंग का मेथी दाना। तो उसने मसालों को देखा, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया, मेथी। तो उसे यकीन हुआ कि वह तो सब सपने में ही था, सच तो नहीं हुआ। फिर तोसिया उठकर बाहर बगीचे में गई। वहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। आपने भी बच्चों अपने बगीचे में देखे ना इस तरह के विभिन्न प्रकार के फूल, गेंदा, चमेली, सदाबहार, गुलाब, सूरजमुखी। तोसिया ने देखा कि उसके कपड़ों में रंग है। कपड़ों में भी विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, नीला, हरा, पीला, लाल, काला, सब कुछ। मम्मी पापा के कपड़ों में भी रंग है। घर में भी खूब सारे रंग दिख रहे हैं। तोसिया ने चारों तरफ बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। आप भी बच्चों एक बार अपने घर में देखो, अपने आसपास कितने सारे रंग आपको दिखाई देंगे, दिख रहे हैं ना? ऐसे ही तोसिया ने देखा। तोसिया मम्मी के साथ बाजार चल पड़ी। वहां खूब सारी रंग बिरंगी सब्जियां थी। सब्जियों के रंग भी आपने जरूर देखे होंगे, ये देखो कितनी रंग बिरंगी सब्जियां होती हैं। तोसिया इस बार सबको बहुत ध्यान से देख रही थी। गाजर, बैंगन, टमाटर, सेम, मटर। बाजार में पतंग की दुकान भी थी। तो पतंग भी देखो कितने प्रकार के रंगों की होती है। दुकान में खूब सारी रंग बिरंगी पतंगे थी। कैसी थी पतंगे? काली, पीली, नीली, हरी, नारंगी। मम्मी चुन्नी की दुकान पर गई। वहां खूब सारी रंग बिरंगी चुन्नियां थी।
तो मम्मी अपने लिए चुन्नियां खरीदने गई। तो वहां जाकर तोशिया ने देखा कि वहां भी चुन्नियां भी बहुत सारे रंगों की थी, गुलाबी, बैंगनी, फिरोजी, आसमानी, भूरी। बाजार में साथ ही गुब्बारे वाला खड़ा हुआ था, तो उसने गुब्बारों की तरफ देखा। उसके पास खूब सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। गुब्बारे कैसे रंग के थे? नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी। तोशिया ने खूब सारे रंग देखे, वह खुश हो गई कि रंग गायब नहीं हुए हैं। तोशिया ने जब अपने चारों तरफ देखा तो उसे यकीन हो गया कि रंग कहीं नहीं गए हैं, कोई रंग गायब नहीं हुआ है, वह तो सिर्फ उसने अपने सपने में देखा था। वह रंगों को गिनने लगी। तोशिया घर आकर दोपहर को सो गई। उसने उठकर देखा कि नानी की सहेलियां आई हुई हैं। उन सबके बाल सफेद सफेद हैं। तोशिया की नानी की जो सहेलियां थी उनके बाल सफेद सफेद हैं। तोशिया को एक बात याद आई, वह रात को नानी के साथ सोई थी, इसलिए सपने में सब सफेद सफेद दिखा होगा, क्योंकि रात में तोशिया ने अपने नानी के सफेद बालों को देखा, उनके बारे में बात करी होगी, तब उसे लगा कि तभी उसे सपने में सब सफेद सफेद नजर आया होगा। तोशिया नानी के बालों को गौर से देखने लगी। गौर से देखना यानी बहुत ही ध्यान से देखने लगी। आप भी बच्चों अगर अपने आसपास बहुत ध्यान लगाकर देखोगे तो देखो और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो कि कितने सारे रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। वह नानी के बालों को छू छू कर देखने लगी। तोशिया सोचने लगी कि नानी के बाल सफेद क्यों हैं? उसने नानी से पूछा कि उनके बालों का रंग कहाँ गया। नानी बोली कि पहले उनके बाल भी काले थे, फिर उनके बालों का रंग तोशिया के बालों में चला आया। नानी ने तोशिया को बताया कि जब मैं छोटी थी तो मेरे बाल भी काले थे, लेकिन अब मेरे बालों का रंग तुम्हारे बालों में चला गया, इसलिए मेरे बाल सफेद हो गए। तो बच्चों आप अपनी दादी और नानी से पूछकर देखिए कि उनके बाल सफेद हैं तो उनके बालों का रंग सफेद कैसे हुआ। अब इस कहानी के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। बातचीत के लिए, क्या आप कभी कोई सपना देखकर खुशी या डर से उठे हैं? तो ये बच्चों आप अपने हिसाब से बताओ। जैसे एक बार मैं डर से उठी। जी हाँ, एक बार मैंने सपने में देखा कि मेरे पीछे एक शेर पड़ गया है और मैं उससे बचने के लिए भाग रही हूँ, तब मैं डर कर उठी थी। कभी कभी हम कोई अच्छा सपना देखते हैं तो हम खुशी से उठते हैं। अपने सपनों के बारे में बातचीत कीजिए। तो बच्चों आपको किस तरह के सपने आते हैं ये बात आप अपने दोस्तों को बताइए या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। जैसे मुझे इस प्रकार के सपने आते हैं, मैं कभी तितलियों के साथ उड़ रही हूँ, कभी मैं सपने में पंछियों की तरह जैसे मेरे पंख हैं। इस कहानी में कौन कौन से रंग हैं? तो बच्चों इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ो और देखो कि इस कहानी में कितने प्रकार के रंग हैं। काला, सफेद, नीला, लाल, पीला, भूरा, नारंगी, गुलाबी, हरा। संसार में रंग ना हो तो कैसा लगेगा? तो अगर बच्चों हमारे आसपास यानी संसार में कोई रंग ही नहीं हो तो ये हमारी दुनिया कैसी लगेगी? पूरा संसार फीका और ये देखो ऐसे सुना सुना लगेगा, जो कि इस समय इतनी खूबसूरत हमारी दुनिया है वह फीकी और सुनी हो जाएगी। खोजे जाने, कहानी का क्रम खोजिए, फिर उसे पढ़कर सुनाइए। तो बच्चों आपने कहानी को ध्यान से सुना ना, अब आप बताइए कि कहानी का क्रम क्या था। सबसे पहले तोशिया घर आकर दोपहर को सो गई। उसके बाद तोशिया ने सपना देखा कि सब कुछ सफेद हो गया है। फिर ये आएगा, तोशिया ने रसोई में रंगीन मसाले देखे। फिर तोशिया बगीचे में गई जहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे। फिर तोशिया बाजार गई जहां रंगीन पतंगे, चुन्नियां और गुब्बारे थे। और अंत में तोशिया ने नानी से उनके सफेद बालों के बारे में पूछा। शब्दों का खेल, रंगों में छुपे शब्द खोजिए और लिखिए।
जैसे गुलाबी में ये गुलाब शब्द है, ऐसे ही आसमानी में आसमान शब्द है, बैंगनी में बैंगन, सिंदूरी में सिंदूर, रसोई में रंग। तोसिया ने रसोई में रंग ही रंग देखे, जैसे मिर्च लाल रंग की, काली मिर्च काले रंग की, हल्दी पीले रंग की, सरसों पीले रंग की, एक सरसों काले रंग की भी होती है, धनिया पत्ती हरे रंग की और मेथी दाना भूरे रंग का। आइए कुछ बनाएं। तो इसके लिए बच्चों आप इस तरह का एक A4 साइज शीट का एक पेपर लीजिए, साथ में आपको चाहिए रंगीन पेपर, कैंची और गोंद। पेपर को इस तरह फोल्ड करिए और उसके बाद समान दूरी पर इस तरह के कुछ कट लगाइए जो इनके अंत तक नहीं जाने चाहिए। पेपर को सीधा किया, यहाँ पर कुछ छेद निकाले, उसके बाद इसको पेपर को फोल्ड करके ऐसे गोंद से चिपका दो और ऊपर एक पट्टी ऐसे लगा दो, तो आपकी ये सुंदर सी कंदील बन जाएगी। बच्चों इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें वह समझें, साथ ही इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं उनके बारे में पता कीजिए। आपकी स्कूल बस का रंग बच्चों कैसा है ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।